फ्री स्किम पॉलिटिक्स या यूं कहें कि मुफ्त खोरी की आदत। जी हाँ, मुफ्त खोरी पॉलिटिक्स ने हिंदुस्तान के अंदर बड़ी मजबूती से अपने पैर जमा लिए हैं। मुफ्त खोरी वाली राजनीति देश के अंदर फैल चुकी है और कहीं ऐसा ना हो कि इस राजनीति की वजह से हिंदुस्तान श्रीलंका बन जाए। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसके लिए आप इस बात को समझिए कि किन राज्यों पर कितने करोड़ का कर्ज है। दिल्ली पर 2020 तक 1,07,000 करोड़ रुपए का कर्ज है, पंजाब पर लगभग 3,00,000 करोड़ रुपए का कर्ज है, राजस्थान पर 4,70,000 रुपए का कर्ज है, पश्चिम बंगाल पर 5,62,000 करोड़ रुपए का कर्ज है, तमिलनाडु पर 6,60,000 करोड़ रुपए का कर्ज। भारी भरकम कर्ज में डूबे ये वो राज्य हैं जहां मुफ्तखोरी की राजनीति प्रैक्टिस में है। दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और दोनों जगह मुफ्त की योजनाओं और वादों का भरमार है। दिल्ली में 200 यूनिट बिजली फ्री है, पानी फ्री है, मोहल्ला क्लिनिक में इलाज फ्री है, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा मुफ्त है और यही सूरत हाल पंजाब का भी है। यहाँ भी 400 यूनिट तक बिजली बिल पर 50% छूट है। किसानों को 12 घंटे मुफ्त बिजली दी जा रही है। 18 साल से ज़्यादा उम्र के महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये मिल रहे हैं, तो वहीं आंध्र प्रदेश में आदिवासी महिलाओं को सालाना 15,000 रुपये की मदद दी जा रही है। बुजुर्गों को हर महीने 2,250 रुपये दिए जा रहे हैं। मुफ्त में हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम चल रही है। राजस्थान में पुरानी पेंशन योजना फिर से लागू कर दी गई है। कृषि संयंत्र खरीदने के लिए सालाना 5,000 रुपये की मदद दी जा रही है। 3 साल में 1,00,000 किसानों को सोलर पंप के लिए पैसे दिए जा रहे हैं और ये तो महज कुछ राज्यों के ही उदाहरण हैं। ज़्यादातर राज्यों में फ्री पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है। अब ये फ्री पॉलिटिक्स दरअसल शुरू कैसे हुई, तो इसका सीधा सीधा जवाब ये है कि चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक पार्टियों ने फ्री पॉलिटिक्स और मुफ्तखोरी को अपना अस्त्र मान लिया है। कर्ज में डूबे होने के बावजूद राज्य फ्री की सेल लगाने से बाज नहीं आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक में भारत सरकार के अधिकारी भी इस बात पर चिंता जाहिर कर चुके हैं, लेकिन मुफ्तखोरी वाली राजनीति पर फुल स्टॉप नहीं लग रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि सभी राजनीतिक दलों ने इसे चुनाव जीतने का सबसे बड़ा हथियार मान लिया है। और अगर हाल ही में पंजाब के नतीजों को आप देखेंगे तो वहाँ तो मुफ्तखोरी के वादे करके आम आदमी पार्टी ने ज़बरदस्त जीत हासिल की है, जहाँ पर उन्होंने पंजाब से कांग्रेस का सफाया ही कर दिया। मुफ्तखोरी वाली राजनीति क्या देश को खोखला कर सकती है, तो इसका जवाब है बिल्कुल हाँ। मुफ्तखोरी वाली राजनीति अपनी जगह है, लेकिन देश को, राज्यों को इससे बाज आने की ज़रूरत है, क्योंकि पॉलिटिक्स की ये प्रैक्टिस भारत को अंदर से खोखला करती जा रही है। सरकार के खजाने पर इतना बड़ा बोझ पड़ रहा है जो एक दिन श्रीलंका जैसे संकट का रूप ले सकते हैं। इस समय हमें श्रीलंका से सबक लेने की ज़रूरत है, उसी श्रीलंका से जो इस वक्त सबसे बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहा है। मौजूदा वक्त में उस पर 6,00,000 करोड़ रुपए का कर्ज है और भारत का ये पड़ोसी मुल्क पूरी तरह कंगाल हो चुका है। रोज़मर्रा की चीज़ों के दाम रॉकेट की तरह आसमान छू रहे हैं। श्रीलंका में हर तरफ त्राहिमाम मचा हुआ है और इसकी एक सबसे बड़ी वजह है श्रीलंका की राजपक्षे सरकार ने जनता को टैक्स में बड़ी छूट दे दी। इसकी पूर्ति के लिए उसने चीन से भारी भरकम कर्ज लिया और इसका परिणाम आज पूरी दुनिया के सामने है। श्रीलंका के हालात को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बोट के लिए मुफ्त की योजनाओं का रोग कितना ज़्यादा बुरा है। इसलिए देश को मुफ्तखोरी के लॉलीपॉप से बचने की ज़रूरत है, वरना जिस तरह अभी हमने कई राज्यों के आंकड़े आपको बताए, ऐसे और भी राज्यों के आंकड़े आप देख सकते हैं। और इसी तरह से अगर मुफ्तखोरी की राजनीति लगातार चलती रही तो वो दिन दूर नहीं जब भारत का हाल भी श्रीलंका जैसा हो सकता है। इसलिए तमाम राजनीतिक पार्टियों को इस पर गहन विचार करने की ज़रूरत है कि मुफ्तखोरी की बजाय सरकारों को कुछ ऐसे तरीके और कायदों और नियमों के ऊपर काम करना होगा जिससे जनता को किसी भी चीज़ को खरीदने के लिए पैसे आराम से उपलब्ध हो जाएं और जनता खुद भी मुफ्तखोरी से बचने की कोशिश करे। ब्यूरो रिपोर्ट, द नेशन एक्सप्रेस।